मेरा जादू सेट मॉर्फ है, जो मेरे बोलने से कुछ भी बन सकता है। इतने सारे तोहफे पा जाकर अच्छा लगता है। ओह, लगता है मैं बीमार होने वाला हूँ। हाँ, वो क्या था? अरे नहीं, देखो। नहीं। ओह, मॉर्फल, जल्दी से एक रॉकेट बन जाओ। अब एक हेलीकॉप्टर में बदल जाओ। शुक्रिया मिला और मॉर्फल। आपको क्या हो गया सैंटा? जब मैं छींकता हूँ तब मेरे जादू से बहुत अजीब चीजें होती हैं। लगता है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। मुझे बस कुछ और तोहफे पहुँचाने हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मॉर्फल, जल्दी से एक स्लेव बन जाओ। बढ़िया, तो चलो। इस तोहफे को उस चिमनी में डाल दो और इसे उस वाले में। नहीं। शुक्रिया मॉर्फल। और काम हो गया। मॉर्फल और मिला, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें खुशी हुई। आप ठीक होने तक यहीं पर रह लीजिए ना सैंटा। हाँ। शुक्रिया मिला और मॉर्फल, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। मेरी क्रिसमस सैंटा। मेरी क्रिसमस। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हारे बारे में भूल गया हूँ? मेरी क्रिसमस। ओह नो। पेड़ का स्टार चोरी हो गया है और सबसे बुरी बात यह है कि पुलिस ऑफिसर पीटर फ्रीजर भी छुट्टी पर है। अब क्या करूं? हाँ, अपन छुट्टी पर है। मजा ही मजा। मॉर्फल और मैं ये केस सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। मॉर्फल, जल्दी से एक पुलिस डॉग बन जाओ। Thank you.
होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। अरे वाह, निशान! ये जरूर सुराग होंगे। बस, क्या आपने बाजार में लगे पेड़ का स्टार चुराया है? बताइए हमें। मैं क्रिसमस की सजावट का क्या करूंगा? पर मैं उस इंसान की कदर करता हूं जिसने चुराया है, क्योंकि मुझे क्रिसमस से नफरत है। क्रिसमस पर लोग कुछ ज्यादा ही रोते हैं। से निशान सीधे तुम्हारी तरफ आते हैं। डाकू, अपना जुर्म कबूल करो। हम शहर के बाजार में थे, पर हमने पेड़ का स्टार नहीं चुराया। नहीं नहीं, हमने उससे भी ज्यादा कीमती चीज चुराई है, पता है? क्योंकि इस बार हम हैं बर्फीले डाकू। क्रिसमस ट्री का स्टार कहाँ जा सकता है? देखो मॉर्फल, वो तो पायरेट के पास है। ये! गया, गया! वो बस में है। मॉर्फल, जल्दी से पुलिस कार बन जाओ। ये! मुझे क्रिसमस से नफरत है, सब तोहफे देते हैं। है ना पायरेट फिल? वो बात ये है कि पायरेट मॉरिस, मैं क्या हुआ बताओ ना। मुझे लगा कि क्रिसमस है तो मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। ये सबसे बेस्ट पायरेट बॉस की ट्रॉफी है। हे, ये तो क्रिसमस ट्री का स्टार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मुझे आज से पहले किसी ने क्रिसमस गिफ्ट नहीं दिया है। मेरी क्रिसमस पायरेट मॉरिस। मेरी क्रिसमस पायरेट पेल। पक्षी ने पायरेट का क्रिसमस तोहफा चुरा लिया। मॉर्फल, जल्दी से पुलिस हेलीकॉप्टर में बदल जाओ। मैगपाई के घोंसले में क्रिसमस ट्री का स्टार भी पड़ा हुआ है। बुरा पक्षी, बुरा पक्षी। उसकी गलती नहीं है, ये मैगपाई है। वो चमकदार चीजें चुराने के लिए जानी जाती है।
मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। अगर मैगपाई को चमकीली चीजें पसंद है तो वो क्रिसमस ट्री पर ही रह सकती है। मिला, मॉफल, तुम लोगों ने मेरा चश्मा कहीं देखा है? हाँ डैडी, यही तो है। हाँ? ये क्या हो रहा है? मेरा सेब उछलने वाली गेंद बन गया। ये छोटी सी क्यूटी कौन है? हाँ, बिल्कुल। ये है प्लेजी। मैजिक पेट। इसमें किसी भी चीज को खिलौने में बदलने की पावर है। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मुझे याद है जब सेंटा मैजिक पेट सेंटर आए थे और मैंने उन्हें मिलवाया था ताकि ये उनकी और उनके बोनों को खिलौने बनाने में मदद कर सकें। हम इसे घर छोड़कर आते हैं और क्रिसमस डिनर के लिए वापस आ जाएंगे। ये सेंटा। हाँ? प्लेजी। एक जादुई पेट जो खिलौने बनाती है। ये तो मुझे चाहिए। मेरे पास एक प्लान है। मॉर्फल, एक रेस कार में बदल जाओ। नॉर्थ पोल, हम आ रहे हैं। बहुत बर्फ है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो बर्फ हटा सके। मॉर्फ, जल्दी से एक स्ले में बदलो। ओह नहीं, डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं। मॉर्फ, रॉकेट बूस्टर लगाओ। चलो अब खिलौने बनाए। मॉर्फ, खुद को निकालने के लिए जल्दी से स्नो प्लाव में बदल जाओ। अब हमें उन डाकुओं से प्लेजी को छुड़ाना होगा। हम पहुंच गए। ये तो सेंटा की वर्कशॉप है। सेंटा। तुम यहाँ हो प्लेजी? मुझे कितनी फिक्र हो रही है। मैं सब जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। ये मैजिक पेट सेंटर में थी सेंटा और सबको खिलौनों में बदल रही थी। अरे अरे, प्लेजी, मिला के घर पहुंचने से पहले उन्हें बदल दो। हो, इसे मेरे पास वापस लाने के लिए शुक्रिया। यूर वेलकम सेंटा। ये तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू सांता। इस बार हमें क्रिसमस का एक भी तोहफा नहीं मिला। नहीं। हेलो, कैसे हो? मेरा क्रिसमस का गिफ्ट एक नया रोबोट था, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ।
सच में क्रिसमस का जवाब नहीं। एक रोबोट? और मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। आइडिया काम कर गया। रोबोट सांता, हम चाहते हैं कि तुम सब तरह से तोहफे ढूंढकर हमारे पास ले आओ। मैं तुम्हारे लिए सारे तोहफे ले आऊंगा। रार, वाँ, वू, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। वू, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। सांता, लाओ अपने तोहफे मुझे दे दो। ओ नहीं। मुझे बॉल वापस दो। वुश, वुश, ओ सांता, मुझे सारे तोहफे दे दो। सांता ने ऐसे क्यों किया? चलो उनका पीछा करते हैं। जल्दी से एक रेनडियर में बदल जाओ। मिला और मॉर्फिलों ने रोको। अरे ये क्या? सांता, कचरे का ढेर। मुझे पता है कि मामला क्या है। वो वापस आ गया स्टाइन। देखो यॉन, हमें क्रिसमस पर कितने तोहफे मिले हैं। हाँ स्टाइन, ये तुम्हारे तोहफे नहीं हैं डाकुओं। ओह, ये तो मिला और मॉर्फल है। अरे नहीं, भागो जॉन। चलो सबको उनके तोहफे लौटा देते हैं। हाँ। हेलो मिला और मॉर्फल। हेलो ऑफिसर फ्रीज, हम आपके लिए एक खास तोहफा लाए हैं। अरे नहीं, ये तो सबसे शानदार तोहफा है। शुक्रिया मिला और मॉर्फल। ये हो गए। सांता आपके मैजिक पेट स्टोर में आए थे? डैडी, मुझे कोई मैजिक पेट मिलने वाला है। मैं ये नहीं बता सकता मिला, सांता के गिफ्ट सीक्रेट होते हैं। तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेती तुम्हारा गिफ्ट एक मैजिक पेट है या नहीं? वाह! क्या है उसके अंदर? इसमें कुछ नहीं है। तुमने ठीक से देखा? हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से तो देखना जरा। वाह वाह वाह, मुझे गिफ्ट में एक मैजिक पेट मिला। इसका नाम मॉर्फल है। क्यों है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाय मॉर्फल। मॉर्फल, एक बिल्ली बन जाओ। वाह, मेरे पास एक बिल्ली है। मॉर्फल, एक घोड़ा बन जाओ। घोड़ा भी है। मॉर्फल, एक डायनासोर बन जाओ। ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस है। तुम दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट हो मॉर्फल। तुम वो सब कुछ बन सकती हो जो मैं चाहती हूँ। एक टीवी बन जाओ। वाह! है।
तुम्हें टीवी बनना अच्छा नहीं लगता मॉर्फल? मॉर्फल को बोरिंग लगता है। मॉर्फल अपने असली रूप में आ जाओ। मॉर्फल? ओह, तो तुम ऐसे दिखते हो? बताओ, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है मॉर्फल? मॉर्फल को नहीं पता। ठीक है, मैं तुम्हें क्रिसमस की कुछ चीजें दिखाती हूँ, फिर तुम मुझे बताना तुम्हें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। हम सांता के लिए ड्राइंग बना सकते हैं। या फिर एक क्रिसमस ट्री की सजावट कर सकते हैं। या फिर तुम एक स्नोमैन बना सकते हो। मॉर्फल, एक खुदाई मशीन बन जाओ। अब एक स्नोमैन बनाओ यहाँ। स्नोबॉल खेलने में बहुत मजा आता है, पर देखो तो मेरी स्लेट टूट गई। अब मैं और बच्चों तक अपने गिफ्ट नहीं पहुंचा पाऊंगा। सांता, आपने मुझे क्रिसमस गिफ्ट में एक मैजिक पैड दिया है, याद है ना? ये एक नई स्लेट में बदल सकता है। तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा है मिला। मॉर्फल, मेरे लिए एक स्लेट में बदल जाओ। हाँ, पर मॉर्फल तुम एक मैजिक पैट हो, हम तुम्हें जिस रूप में चाहे उसमें बदल सकते हैं। पर मॉर्फल मीला का पैट है। हाँ, ये बात तो है। मीला, क्या तुम मॉर्फल को मेरे लिए एक स्लेम में बदलने के लिए कह सकती हो? मॉर्फल, सांता के लिए एक नई स्लेम में बदल जाओ। में पंख भी जोड़ दो। और एक जेट इंजन भी लगाओ। और इतने बड़े हो जाओ कि इस स्ले के अंदर रेंडियर्स भी बैठ सके। ठीक है मॉर्फल, तो अब चलते हैं। हो 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 हो, मेरी क्रिसमस! वाओ, क्या ये आप और आंटी ऑगस्टीन हैं? हाँ मिला, हम हर सर्दियों में स्केटिंग करने जाते थे। मॉर्फल को स्केटिंग पसंद है।
काफी मजेदार लग रहा है। चलो हम बगीचे में एक आइस रिंक बनाते हैं ताकि हम भी स्केटिंग कर सकें। मॉर्फल को स्केटिंग नहीं आती। आइस क्यूब्स पर स्केटिंग नहीं कर सकते मॉर्फल। हमें बहुत सारे पानी को जमा कर आइस रिंक बनाना होगा। आइस रिंक? हमें जमाने की ताकत वाला जादुई पेट भी चाहिए होगा। मुझे पता है वो कौन हो सकता है। मॉर्फल, हाथी में बदल जाओ ताकि हम एटमो के जमाने के लिए पानी इकट्ठा कर सकें। क्या बात है। चलो बगीचे को पानी से भर दें। हे, इस सूट को सिर्फ ड्राई क्लीन करना होता है। सॉरी मिस्टर वैंडबूज। मॉर्फल, मिस्टर वैंडबूज के बगीचे से सारा पानी हटा दो। मॉर्फल को भी आइस स्केटिंग करनी है। मॉर्फल, एटमो को बचाने के लिए एक रोबोट में बदल जाओ। मॉर्फल एटमो की जादू से सब जमा रहा है। मॉर्फल, एक ड्रैगन में बदल जाओ और अपने मुंह से आग निकालो। कोई भी पुलिस ऑफिसर फ्रीज को नहीं जमा सकता। मेरे शहर में ऐसा नहीं हो सकता। मीला और मॉर्फल, ये सब क्या हो रहा है बताओ तो। सॉरी आंटी, हम बगीचे में आइस रिंक बना रहे थे पर मॉर्फल ने एटमो को चुरा लिया। तो यहाँ हो तुम। मॉर्फल, तुमने सब कुछ क्यों जमा दिया? एटमो थक गया है। सॉरी एटमो, मॉर्फल को भी आइस स्केटिंग करनी थी। अगर वादा करते हो कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। मॉर्फल भी स्केटिंग करेगा? हाँ। ये है। चलो चलें। मॉर्फल, जल्दी से एक हेलीकॉप्टर में बदल जाओ। सुना तुम बर्फ का मैदान बना रही हो, मुझे लगा इनकी जरूरत पड़ेगी। ये मेरे थे पर अब ये बहुत छोटे हो गए हैं। वाओ, शुक्रिया आंटी ऑगस्टीन। मैंने आपको इन्हें फोटो में पहने देखा था। ये मेरे लिए परफेक्ट है। जरा देखो यार, क्रिसमस पर सब लोग कितने खुश हैं। लगता है इस साल हमें फिर से कोयला ही मिलेगा। जरा एक मिनट, हर साल क्रिसमस पर हमें कोयला मिलता है क्योंकि हम बदमाशी भरी हरकतें करते हैं। तो चलो इस साल हम अच्छे लोग बन जाएं। सिर्फ आज के लिए इस तरह सांता को हमें तोहफे देने ही पड़ेंगे। तुम्हारा मतलब अगर हमने अच्छा बर्ताव किया तो हमें तोहफे मिलेंगे? सच में? आयोन, हाँ। चलो शुरू किया जाए। ओ नहीं, ये तो डाकू है। मॉर्फल, जल्दी से एक डायनासोर बन जाओ। चलो उन्हें डरा के भगाते हैं। मीला और मॉर्फल, प्लीज मुझे इस तरह से डराओ मत। सड़क पार कराने में मदद करने के लिए थैंक्स डाकू। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मीला और मॉर्फल, प्लीज लोगों को डराओ मत।
डाकू, तुम क्या कर रहे हो? इस क्रिसमस हम अच्छे डाकू हैं, क्योंकि सैंटा सिर्फ अच्छे लोगों को ही तोहफे दिया करते हैं। हमें कोयला नहीं चाहिए। ये तो अच्छा आइडिया है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे वाह, ये तो क्रिसमस का चमत्कार है। क्रिसमस ट्री लगाने में मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया डाकुओं। मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम। शुक्रिया डाकू भाइयों। नहीं, आपका शुक्रिया मिस्टर मेयर। पेड़ बहुत शानदार लग रहा है, तुमने बहुत अच्छा काम किया डाकू भाई। शुक्रिया। क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? वैसे मुझे ये कैंडीज डिलीवर करने में मदद चाहिए। ये तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये रहा हमारी मेहनत का इनाम। यम्मी स्टाइन। मैंने सुना सैंटा बड़े क्रिसमस ट्री के पास सबको तोहफे बांट रहे हैं। जल्दी चलो स्टाइन। थैंक यू सैंटा। मेरी क्रिसमस सारा। सैंटा सैंटा, अब हम अच्छे डाकू बन गए हैं। हाँ, क्या आपके पास हमारे लिए तोहफे हैं? बिल्कुल। ये लो डाकुओं। जरूर कोई गलती हुई है, इस क्रिसमस तो हम बहुत अच्छे डाकू थे। हाँ। क्या तुम्हें यकीन है? क्योंकि अच्छे लोग दूसरों की चीजें नहीं चुराते। ओफो। ओ, बस करो, हमने कितनी कोशिशें की। मैं चाहता था कि इस बार हमें अच्छे तोहफे मिले। हाँ, कोले तो बिल्कुल नहीं। प्लीज, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ भी? ठीक है, अगर तुम चुराई हुई सारी चीजें वापस कर दो तो मोफल और मैं तुम्हें तोहफा देंगे। सच में? ठीक है। सारी चीजें वापस कर दी, तुम तोहफे के तौर पर हमारी कैंडी ले सकते हो। ओह, पहली बार हमें क्रिसमस के वक्त तोहफे मिल रहे हैं। हाँ, कितनी अच्छी बात है ना? हाँ, कोयले से तो बेहतर ही है। मेरी क्रिसमस यॉन। मेरी क्रिसमस टाइन। हाँ, शुक्रिया जॉली फैंट, और आइसक्रीम दो ना। आइसक्रीम। मॉर्फल, एक बुलडोजर बन जाओ जिससे हम यहाँ से ये सारी आइसक्रीम साफ कर सकें। मॉर्फल नहीं बन सकता, मॉर्फल ने ज्यादा खा लिया। ये जॉली फेंट कुछ ज्यादा ही आइसक्रीम बना रहा है। समझ नहीं आ रहा इतने का करेंगे क्या। हाँ, और ज्यादा आइसक्रीम मॉर्फल के लिए ठीक भी नहीं है। हमें बाहर जाकर इस जॉली फेंट के लिए एक नया साथी ढूंढना चाहिए। हाँ तो जॉली फैंट, जरा दिखाओ जिराल्डो को तुम क्या कर सकते हो। हाँ,
क्या सोचा तुमने? तुम इस जॉली फैंट को अपने साथ रखना चाहोगे? नहीं 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 नहीं, मुझे इसका साथ नहीं चाहिए। जिराल्डो की आइसक्रीम कोई आइसक्रीम फैक्ट्री नहीं है। हाँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, समझे? वो देखिए, वहाँ पर आग लगी हुई है। पर फायर फाइटर कार्बन का पानी खत्म हो गया है और मॉर्फल भी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि इसने ज्यादा आइसक्रीम खा ली है। जॉली फैंट, इस आग को बुझाने के लिए अपनी आइसक्रीम का इस्तेमाल करो। शायद फायर फाइटर कर्बिन जॉली फैंट को अपने साथ रखकर खुश होंगे। ये तो कमाल हो गया, तुम तो सच में हीरो हो। हाँ, ये और हीरो, इतनी आइसक्रीम साफ करने में तो मुझे कई दिन लग जाएंगे। ओ, मुझे लगता है मिस्टर वैंडरबूस बिल्कुल सही हैं। माफ करना कि हम तुम्हारे लिए दोस्त नहीं ढूंढ पाए, पर फिकर नॉट, तुम मैजिक पेट स्टोर को अपना ही घर समझो, ठीक है? हेलो हेलो, जरा सुनिए, मुझे अपने बच्चों के इस हॉस्पिटल में उन्हें खुश रखने के लिए एक मैजिक पेट की जरूरत है। जैसा आपने कहा था, ये रहे आपके रोबोट्स। बढ़िया, मुझे खुशी है कि आपको पहले वाले अच्छे लगे। क्या मैं जान सकता हूँ आप इतने सारे रोबोट्स का क्या करेंगी? कुछ नहीं प्रोफेसर, और हाँ प्लीज आप हमारे लिए और भी बनाते रहिए। मिला, मुझे मेरी खिलौना कार वापस चाहिए। टॉय कार? पर मेरे पास तुम्हारी टॉय कार नहीं है ट्रॉय। तुम्हारे पास है, मैंने तुम्हें ले जाते हुए देखा था। अगर तुमने मेरी कार वापस नहीं दी तो मैं तुम्हारे डैडी से बता दूंगा। मेरा के पास टॉय कार नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ट्रॉय सुनो तो तुम यहाँ हो मिला? मैं अपने एक बहुत जरूरी काम से जा रहा था और तुमने मेरे ऊपर कीचड़ फेंक दिया। पर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अभी तो घर जाकर कपड़े बदलने हैं, पर मेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ शैतान लड़की। ये तो हद हो गई मॉर्फल, हमें पता लगाना होगा आखिर ये सब क्या हो रहा है। एक हेलीकॉप्टर बन जाओ मॉर्फल। मॉर्फल वो देखो। हाँ मॉर्फल, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर हूँ ना। ये जरूर कोई रोबोट है, उसका पीछा करो मॉर्फल। एक मैग्नेट में बदल जाओ। चलो इसे जेल लेकर चलते हैं, ऑफिसर फ्रीज तय करेंगे इसका क्या करना है। हमने एक रोबोट को पकड़ा है बदमाशी करते हुए, ये देखिए। तुम्हारा मतलब बिल्कुल इसकी तरह? हाँ? ये क्या, ऐसे और कितने हैं?
प्रोफेसर, हमें और रोबोट चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पक्का वो रोबोट इसी तरफ गए हैं। देखो देखो कितनी सारी मिला। और हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। ओके। हमें वो रिमोट हासिल करना होगा मॉर्फल। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे साथ आओ। ये देखो, ये है मॉर्फल। मॉर्फल? मॉर्फल, मॉर्फल, मॉर्फल। पकड़ो उसे। तुम कहाँ जा रहे हो छोटे रोबोट? अरे ये सारे रोबोट बदमाशों को पकड़ो। नहीं, नहीं, नहीं। इन सारे कारनामों के पीछे तुम लोगों का ही हाथ है। हम तो बुरी तरह फंस गए स्टैन। कुछ करो रोबोट। नहीं नहीं नहीं, मॉर्फल बदमाशों को पकड़ो, बदमाशों को पकड़ो, मॉर्फल बदमाशों को पकड़ो। नहीं। ओ मत रो मॉर्फल, तुम ठीक तो हो ना? मुझे पता है तुम्हें हंसाने के लिए क्या करना है। मेरा इन्वेंशन पूरा हो गया, आओ दिखाता हूँ। ये सीरम सबको छोटा बना देगा, इसे मैं अपने असिस्टेंट पर इस्तेमाल करूँगा। ओह कितना क्यूट लग रहा है, अच्छा लगा। ये तो गड़बड़ हो गई मॉर्फल। छोटे बच्चे को कैसे संभालते हैं मुझे नहीं पता, क्या करूं? मॉर्फल इसे इसके डैडी के पास लेके जाओ, तब तक मैं ठीक करने की दवाई बनाता हूँ।
देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने एक बहुत ही अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि मैं बच्ची बन गई हूँ, है ना कितना अजीब। मॉर्फल, चलो डैडी को बुद्धू बनाते हैं। हाँ चलो। तुम बन जाओ मैं। बढ़िया, अब ये कपड़े पहन लो। तुम बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हो। वाह! ठीक है, चलो डैडी को बुद्ध बनाएं। मिला ने तो मुझे डरा दिया। मुझे पता ही नहीं चला तुम नीचे कब आ गई। वो इसलिए क्योंकि मैं तो अभी भी ऊपर ही हूँ। पर तो फिर तुम जरूर मॉर्फल हो। हाँ। हाय मीला, तुम और मॉर्फल मेरे साथ खेलने चलोगी? मीला, मॉर्फल यहाँ नहीं है। ओ पर मीला खेलेगी। ठीक है, चलो चलते हैं। ट्रॉय को पता ही नहीं चला कि वो मॉर्फल है। हाय मीला। हमें कौन सा खेल खेलना है मीला, क्योंकि तुम मजेदार खेल ढूंढने में बिल्कुल माहिर हो। हाँ। पकड़म पकड़ाई। ठीक है मीला, तुम्हारी बारी। क्या? तुम्हें सिर्फ सारा को छूना है। लेकिन वो कहाँ है? मैं पेड़ पर हूँ। मैं अपने आप यहाँ से नीचे नहीं उतर सकती। ओ, मीला उतारेगी। सरा रुको, तुम तो मीला नहीं हो, तुम मॉर्फल हो। थैंक यू मी मॉर्फल। वाह भाई वाह, लगता है मॉर्फल तुम्हारे साथ नहीं है। पर स्टाइन, लगता है ये मॉर्फल। बिना मॉर्फल के हम तुम्हें अच्छे से परेशान नहीं कर सकते। तुम कितनी छोटी सी हो। मुझे नीचे उतारो। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। ये बॉल किसने फेंक कर मारी मुझे? आउच, ये क्या हो रहा है? चलो भागो यहाँ से स्टाइन। हाँ। भी मिला आ गई। हमें अकेला छोड़ दो। तुमने उन्हें अच्छा उल्लू बनाया मॉर्फल। मॉर्फल के बिना मैं बोर हो रही हूँ, चलकर उसे ढूंढते हैं। मिला फिर आ गई। सच में बहुत गर्मी है। हाँ, मॉर्फल को आइसक्रीम खानी है। आइडिया बहुत अच्छा है मॉर्फल, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम जाकर आइसक्रीम ट्रक से हम सब के लिए आइसक्रीम ले आओ। हाँ। मेरे लिए लाना मत भूलना। ठीक है डैडी। आइसक्रीम वाला तो जा रहा है। ओ नहीं, चलो उसका पीछा करते हैं। मॉर्फल, एक आइसक्रीम रेस कार में बदल जाओ। हाँ, ये जा कहाँ रहा है? हाँ,
आओ बच्चों, तुम्हें आइसक्रीम खानी है ना? हाँ प्लीज। बहुत अच्छे, मेरे पास है चॉकलेट आइसक्रीम, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, हैलेपिनो, ट्रूटी फ्रूटी और है अनियन वाली और मेयोनीज वाली है। मुझे वेनिला चाहिए। चॉकलेट और वो अनियन वाली डैडी के लिए देना, उन्हें ये बहुत अच्छी लगेगी। हाँ। सच में ये पहली बार है कि कोई इस फ्लेवर की आइसक्रीम खरीद रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि आइसक्रीम पिघल जाए, डैडी के पास चलते हैं। उनका पीछा करो मॉर्फल। हमने उन्हें हरा दिया जॉन। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। काश कि मुझे जल्दी से आइसक्रीम मिल जाती। हम आ गए डैडी। वाह, आइसक्रीम पिघल गई। ओ नहीं, मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन था। नहीं, हम दूसरी लेकर आते हैं, बस अभी आते हैं डैडी। हेलो, फिर से आ गए। एक और अनियन आइसक्रीम देना प्लीज। वाह, आज तो मैंने दो दो अनियन आइसक्रीम बेच डाली है। डैडी के पास चलो मॉर्फो, जल्दी। हाँ। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है वो। ये आइसक्रीम अब हमारी है। हाँ, हमारी है। क्या ये मेरी आइसक्रीम है? माफ कीजिएगा सर, हमारा वो मतलब नहीं था। उसे वापस करो। शुक्रिया मिला और मॉर्फल, आइसक्रीम बिल्कुल सही सलामत है। अनियन वाली आइसक्रीम। यही है वो दुनिया के सबसे शानदार रोलर कोस्टर। ऊपर नीचे होता है, कितने मजेदार मोड़ हैं, और बहुत ऊपर भी जाता है। बस प्रॉब्लम ये है कि इसमें जाने के लिए तुम्हें इतना बड़ा होना होगा। मैं एक ऐसे प्रोफेसर को जानती हूँ जो इस काम में मेरी मदद कर सके। ये तुम्हें छोटे से बड़ा बना देगा, पर सोच लो, तुम्हें बड़ा होना है ना मिला? हाँ होना है। तो ठीक है, अभी कर देते हैं। मीला, ये तुम ही हो क्या? ओ, नहीं, मैं मीला की आंटी हूँ। वाह, शक्ल कितनी मिलती है तुम्हारी। कोई बात नहीं, तुम्हारी लंबाई ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो। बहुत मजा आया, और अब जैसे कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। बड़ी हो गई? आओ मॉर्फल। इस डॉल्फिन की सवारी कौन करना चाहता है? मैं करूँगी। माफ करना मिस, पर आप इस डॉल्फिन पर सवारी करने के लिए बहुत बड़ी हैं। चलो झूठ मूड की टीचर बन जाते हैं मॉर्फल। माफ करना मिस, पर आप क्लास के अंदर नहीं जा सकती। मैं मीला की आंटी हूँ। हाँ, मैं ये बात पहले सुन चुका हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई, पर मीला यहाँ नहीं है। मुझे अपने क्लास में वापस जाना है। गुड बाय।
बड़े होना धीरे धीरे बहुत बोरिंग होता जा रहा है। ये बच्चों के खेलने का मैदान है मिस, इसके लिए आपको फाइन देना पड़ेगा। ओ, माफी चाहती हूँ पर मैं फाइन नहीं दे सकती, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरी सलाह है कि जल्दी से कोई काम ढूंढ लो। अब मुझे बड़ा बनकर नहीं रहना है। तुमने सोच लिया ना कि तुम्हें फिर से बच्चा बनना है? इतना अच्छे से मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा। क्या तुमने सुना? क्या सुना? वहाँ पर एक और रोलर कोस्टर बन रहा है, इस बार पहले से भी बड़ा बन रहा है। अच्छी बात है। उसकी राइड लेने के लिए तुम फिर से बड़ा नहीं होना चाहती? बिल्कुल नहीं, बड़े होने में उतना मजा नहीं है जितना मुझे लगता था। जब तक हो सकता है तब तक छोटा रहकर ही मजे करना चाहती हूँ। पकड़ लिया, तुम्हारी बारी। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। शुक्रिया मॉर्फल, तुम जितनी कर सकते हो हमेशा लोगों की मदद करते हो। मॉर्फल भी मदद करेगा। प्लीज मेरे प्यारे बिल्ले नीचे आ जाओ। मॉर्फल मेरी मदद कर दोगे प्लीज? मेरा बिल्ला ऊपर पेड़ पर फंस गया है, मुझसे उसके बिना रहा नहीं जा रहा। तुम उसे मेरे पास ला सकते हो? मैंने उसे अपने पास लाने को कहा था। अगर तुम दोनों ने मेरे पुलिस कार नहीं चुराई होती तो अब तक तुम दोनों जेल में होते। हमें फर्क नहीं पड़ता। मॉर्फल, अच्छा हुआ तुम यहाँ गए। क्या तुम इन बदमाशों को पुलिस स्टेशन ले जाने में मेरी मदद करोगे? ठीक है। ओ नहीं, ये क्या? मॉर्फल, मुझे भी तो बैठा लो। बदमाशों को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया, बाय। उसने हमें जेल में बंद नहीं किया स्टैन। चलो भाग चलते हैं। ओह सुनो मॉर्फल, तुम ये डिब्बे उठाने में मेरी मदद करोगे? ये बहुत भारी है। ओ नहीं मॉर्फल, उठाकर छत पर नहीं रखने हैं। तो मॉर्फल तुम वापस आ गए? क्या हो गया? तुम्हारा ये लाल दोस्त मुझे यहाँ पेड़ पर चढ़ाकर भाग गया। पर ऐसा नहीं हो सकता, मॉर्फल ने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ। मॉर्फल, उन बदमाशों को कहाँ छोड़कर आए तुम? हमने तो बदमाशों को देखा ही नहीं। मैंने तुम्हें उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हुए देखा था मॉर्फल। उन बदमाशों को फिर से पकड़ना होगा। मॉर्फल, एक रोबोट में बदल जाओ। अरे नहीं, बस मजाक बहुत हो गया मॉर्फल, अब चुपचाप उन डिब्बों को वापस नीचे उतारो। मॉर्फल तो पूरा दिन मेरे साथ था डैडी। सच में? पर वो बिल्कुल मॉर्फल जैसा ही था। मॉर्फल जैसा लाल रंग भी था उसका। हाँ, कुछ हरे रंग के निशान जरूर थे उस पर। हरे निशान? फिर तो वो जरूर मॉर्फल होगा। हमें उसे रोकना होगा मॉर्फल। हाय मॉर्फल, यहाँ जगह बनाने में मेरी मदद करोगे? देखो मॉर्फल, मॉर्फल ने अपने आप पर लाल रंग लगा लिया है। ओ नहीं।
चलो उसका रंग साफ करें मॉर्फल, एक फायर ट्रक में बदल जाओ। ओह, ध्यान से मॉर्फल। वो मॉर्फल नहीं है। ये तो ऑफल है। बहुत हो गया, अब तुम और किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हो मॉर्फल। शुक्रिया असली वाले मॉर्फल। मॉर्फल वापस आएगा। देखो मॉर्फल, ऐसे करना है। मॉर्फल भी करेगा, मॉर्फल भी करेगा। कोई बात नहीं मॉर्फल, तुम्हारा वो खिलौना अच्छा है पर इतना अच्छा नहीं हो सकता जितना कि ये वाला। ये है बोबा, हमारा नया मैजिक पेट। बोबा को बुलबुले बनाना पसंद है, ये बहुत मजे लेकर बुलबुले बनाता है। वो देखा, ये तो बहुत ही कमाल का पेट है। ओ ओ। बोबा बस अब हमें नीचे उतारो। मैं बाहर नहीं आ पा रही। मॉर्फल एक बड़ी सी चीज में बदल जाओ। ठीक है। अब मॉर्फल मीला को बचाएगा। ये सब क्या है? ए, बचाओ, बचाओ मुझे। मॉर्फल बचाएगा। नहीं। आसमान से नीचे गिर रही है। अच्छा हुआ तुम आ गए बोबा। सुनो, तुम ऐसे कहीं भी अपने बुलबुलों को फुलाकर नहीं छोड़ सकते, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मेरे शहर में नहीं चलेगा। डैडी। मॉर्फल, मेरे बुलबुलों को फोड़ सकते हो। फ्यू, शुक्रिया मॉर्फल। आपने मीला को देखा? मुझे लगता है वो उस तरफ गई है। अभी बुलबुलों का मौसम खत्म हुआ है, मुझे मेरी कार वापस मिल गई। सुनो बोबा, अगली बार जब तुम बुलबुले बनाओ तो प्लीज इतनी ज्यादा मस्ती मत करने लगना। सुनो मेरे प्यारे नन्हे दोस्त, सोच कर कितनी हंसी आती है कि एक दिन तुम बड़े और डरावने हो जाओगे। इस मशीन से जो हमने प्रोफेसर रशीद से चुराई है, इससे हम इन जानवरों को बहुत बड़ा बना सकते हैं। हमें आजू में बहुत
मजा आने वाला है मॉर्फल। हाँ। मिला मॉर्फल, वो बदमाश जानवरों को एक मशीन से बहुत बड़ा बना दे रहे हैं। ओ नहीं, हमें उनसे वो मशीन वापस लानी होगी। मॉर्फल एक सुपर हीरो में बदल जाओ। वो तो नहीं हो सकता। जॉन, इन पर भी जादू करो। इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। हम वापस जरूर आएंगे। बहुत अच्छे, चलो सब जानवरों को उनके असली रूप में वापस लाते हैं। वो देखो, वो रहा पेंगुइन। बहुत बढ़िया, ये तो हो गया। शेर, अब तुम्हारी बारी। हाय मंकी, चलो तुम्हें पहले जैसा बना देते हैं। तुम लोग तो बहुत छोटे हो गए हो, पर तुम अब भी बहुत अच्छे लग रहे हो। उसके पास मत जाना मिला, वो एक मगरमच्छ का अंडा है। माफ करना मॉर्फल, मुझे नहीं पता हमें एग्स कहाँ पर मिलेंगे। केनेथ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक खरगोश गंदगी फैला रहा था तो मैंने उसे पकड़ा है। वो पूरे शहर में अंडे फैलाता जा रहा था। अब समझ नहीं आ रहा कि उसे खाने में क्या दूं। मुझे लगता है थोड़े से गाजर से काम चल जाएगा। चलो चलकर देखते हैं मॉर्फल। ये तो ईस्टर बनी है। ऑफिसर फ्रीज, आपने ईस्टर बनी
डैनी को पकड़ लिया है, आपको उसे छोड़ना होगा। नहीं छोड़ सकता मिला, ये खरगोश दुनिया का सबसे बड़ा गंदगी फैलाने वाला है। ये पूरे शहर में कूड़ा फैला रहा था और ऐसा करना जुर्म है। लेकिन हे, बनी ने ये बैग दिया है। तुम चाहते हो कि हम ये ईस्टर एग्स छुपा दें क्योंकि तुम नहीं छुपा सकते? तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। मॉर्फल, एक हेलीकॉप्टर बन जाओ। और अंडे। वहीं पर रुक जाओ मिला, मैं तुम दोनों से बहुत गुस्सा हूँ। तुम हर जगह गंदगी फैलाते जा रहे हो और तुम्हें पता है गंदगी फैलाना गुनाह है। पर हम गंदगी नहीं फैला रहे, ये तो ईस्टर एग्स है। ये यहाँ पर पड़े नहीं रहेंगे क्योंकि शहर के सारे बच्चे इन्हें आकर उठा लेंगे। खोलिए इसे। सच कहूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एक और मिल सकता है? उसके लिए आपको एक एग ढूंढना होगा। माफ करना, मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया इस डबनी। मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम सबके लिए जादुई अंडे छुपा रहे हो। तुम्हारे दांत बिल्कुल ठीक हालत में हैं। मैं तो अपने दांत दिन में 3 बार ब्रश करता हूँ। तो क्या अब हम अपने दूसरे जादुई जानवर को देखने चले? बिल्कुल मिला। एक एम्बुलेंस में बदल जाओ मॉर्फो। मैजिक पेट के दांतों की देखभाल करने वाली टीम, आगे बढ़ो। तुम लोग अपने दांत चेक करवाने के लिए तैयार हो? कोई परेशानी नहीं, दांत बिल्कुल ठीक हैं। अब सिर्फ मैजिक स्टोर के मैजिक पेट ही रह गए हैं चेकअप के लिए, है ना? हाँ, उसके बाद हमारा चेकअप का काम पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ो मॉर्फो। दांत ठीक है, अगला कौन? ओके, चलो देखते हैं। ये क्या, तुम्हारे दांतों में तो कीड़े हैं। कोई बात नहीं, इतने भी ज्यादा नहीं है, मैं इससे उसे ठीक कर सकता हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? ओ नहीं, वो डर गया है, उसे रोकना होगा, कहीं उसे चोट ना लग जाए। मॉर्फ, एक घोड़ा बन जाओ। सॉरी। एक ड्रैगन में बदल जाओ मॉर्फल। भागना बंद करो, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं। ओ नहीं, हम उसे रोकेंगे कैसे? किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो बहुत तेज तैर सके और उसकी नाव रोकने के लिए बहुत ताकतवर भी हो। मॉर्फल, एक मगरमच्छ बन जाओ। अब उसकी नाव को रोको मॉर्फल।
माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया, पर तुम्हारे दांतों को ठीक करना बहुत ही जरूरी है। अभी तो कोई परेशानी नहीं है, पर अभी ठीक नहीं किया तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है। ओके मॉर्फो, अब तुम इसे छोड़ सकते हो। मॉर्फो मॉर्फो, दांत में दर्द। ओ नहीं, जरा देखूं तो। तुम्हारे दांतों को भी ठीक करना जरूरी है मॉर्फल। ओ, पर तुम्हें डॉक्टर से डर नहीं लगता है ना? ना ना। चलो मेरे क्लिनिक में चलते हैं। बिल्कुल नए जैसे हो गए, क्योंकि तुम दोनों ने बहादुरी दिखाई, इसलिए तुम्हें मिलता है एक इनाम। मॉर्फल देखो, ये एक ईस्टर एग है। मॉर्फल पेंट करेगा। बिल्कुल, तुम एक पेंट ब्रश बन जाओ। मॉर्फल का सबसे बड़ा एग पेंट करना है। मैंने सुना है कि डायनासोर्स के अंडे बहुत बड़े होते हैं। डायनासोर्स? हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है। हमें डायनासोर्स के एग्स को पेंट करना चाहिए। वाह! ट्राइसेराटॉप्स! और उसके पास अंडा भी है। हेलो ट्राइसेराटॉप्स, क्या हम तुम्हारे अंडे को पेंट करें? तादा! आपका ईस्टर एग तैयार हो गया। ओ नहीं, ये क्या? ओ, क्या तुम भी अपना एग पेंट करवाना चाहते हो? शुरू करें मॉर्फल। हाँ। डायनासोर खुश हुए। टॉप्स का नहीं, टेरोडैक्टिल का बच्चा है। एक्स को बदलना होगा। चिंता मत करो, मॉर्फल और मैं आपके बच्चे को आपके पास लाएंगे। हाँ। तुम एक हेलीकॉप्टर बन जाओ। टेरोडैक्टिल, एग्स की अदला बदली हो गई। ये रहा आपका बच्चा। ओप्स, ये रहा आपका बच्चा। चले। ओ, सब कुछ सही हो गया और देखो हम अपने समय में वापस जा रहे हैं। बाय बाय। ओ, कितनी देर कर दी, ईस्टर बनी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। वाह! क्या तुम और पेंट करना चाहते हो?